मैं भी जा रहा हूँ राशन लेने, मतलब सरकारी वाला राशन लेने। तो पता नहीं राशन वाला अभी होगा उधर पे कि नहीं होगा, बट मुझे तो यही उम्मीद है कि मैं लेके आ जाऊँगा फ्री राशन, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलता है लॉकडाउन पे। वो जो फ्री वाला मिलता है ना, वो अभी हम लोग को मिल रहा है। जा रहा हूँ लेने और खुश मैं इतना हूँ अभी। चलो अभी चलते हैं, काम वाम देखते हैं थोड़ा। लेट्स गो। कोटेदार का डर का मारे लग रहा है। इतने ऊपर तक कहाँ पहुँचते हमारी वीडियो, 300-400 भी बस। अच्छा एप्लीकेशन लगाएंगे नहीं तो फिर हम अपने से अपनी रोड का डाली रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐप चला है ना मोबाइल वाला, वहाँ डाली और शायद 6-7 दिन में खाली रिपोर्ट आ गई पेपर में। उसके बाद बना करीब 6 महीने बाद बनी रहा है, लेकिन रिपोर्ट 6 दिन में कंफर्म मिल रहा है कि रोड बनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट योर रोड ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, देन कैन गो देयर एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन एंड दे विल गिव यू अ ब्यूटीफुल रोड लाइक आई हैव इन माय विलेज राइट नाउ। I've been purchasing all those particular things or stuff that I had gotten on my bike, and so now I'm going and and it will. Failure fighter. सर्च करो तो पहले नंबर पे हमारी है। तो सुपरस्टार कौन से सुपरस्टार है? सिंगापुर सुपरस्टार। हाँ सिंगापुर स्टार, इसकी पबजी आईडी। ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग यूट्यूब का। पबजी टाइम है नहीं है यार। कुछ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द रोड इज जस्ट लाइक द पॉन्ड, लाइक अ पॉन्ड, मतलब बिल्कुल समझो गड्ढा यहाँ पे। इधर पे पहले तो यहाँ से ट्रक निकलने में भी डरते थे। एंड अंकल जी आप यहीं गए, बहुत दिक्कत होगी होती होगी ना यहाँ से। सही बात है, हम तो ये वीडियो बना रहे हैं, देखी रोड इतनी अच्छी है तो भेजते नहीं डायरेक्ट, हम यूट्यूब पे डालते हैं। तो हमारा खुद का चैनल है तो अपनी वीडियो डालते हैं, उसी में ये भी आ जाएगा। नहीं हम लोग भी आते हैं हर महीने राशन लेने, तो बहुत दिक्कत होती है। बड़ा बहुत ही सीरियस केसेस है। अंकल बना रहे हैं, बता रहे हैं इनकी बहन की डिलीवरी हुई थी उस दिन और वो गाड़ी यहीं पे फंस गई थी, सो ट्रैक्टर से उसको निकाला। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम वॉट एवर वी आर फेसिंग राइट नाउ इन आर विलेजेस, दैट आर रोड्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड एज वेल फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, लाइक फ्रॉम 10 ईयर्स और 15 ईयर्स आर गोइंग। इधर पे गिट्टी विट्टी डाल दी, ट्रक अभी आराम से निकल के गया है ऊपर से, और उसमें भी देखो गिट्टी में कितना दम होता है। यहाँ से ट्रक व्रक भी निकलने में डरते थे, बिकॉज गाड़ियाँ ना जो पिकअप होती है आपकी DI 207 DI जो होती है वो पूरी डूब जाती है इधर पे। मतलब टायर तो समझो गए, दिखता ही नहीं टायर, इतना ज़्यादा गहरा होता है। तो ये पर्टिकुलर थिंग है जो अटकी हुई है। चलो अभी चलते हैं घर पे, फिर बात करते हैं आगे। एक्चुअली वायरल था तो मुझे खेलने, मतलब अभी मेरे दिल को बस सुकून मिला और अभी मैं बस खुश हूँ एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज वीडियो वायरल है, 22,000 व्यू के अबव चल रहा है और दो ही डिसलाइक है ना, नहीं 12 है, 2 डिसलाइक तो प्रश्न इसमें है फेलियर फाइटर वाली वीडियो में, उस पर 12 डिसलाइक्स हैं। और नहीं विनोद वाली में तो 2 डिसलाइक्स हैं, उसमें 12 हैं जो कौन सा वही ओरिजिनल वीडियो में। राशि कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, तो उसमें अभी मेरे सब्सक्राइबर्स भी थोड़े बहुत इंक्रीज हो रहे हैं उस टाइम पर बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरल वीडियो। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बस सुबह मिलते हैं, सो गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन मॉर्निंग। एरिया में रहते हैं उनको पता होगा ना कि जब कौओं के बच्चे होते हैं
तो ये देखो ये बैठा हुआ है इस बांस के ऊपर, इधर से उसके जस्ट बगल से निकला और बंदा मेरे से बोला नहीं है। अच्छा लगा यार बड़ा, मतलब मुझे कितना सीधा समझता है, जानता है मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाकी सबके सिर में वो चोंच मारता है, मेरी नहीं मारता। सो ये एक एडवांटेज है। रात को बादल भी बहुत तगड़े से हैं इधर पे साइड में, हम लोगों ने काफी सारे पेड़ लगा दिए थे, ये वाले बहुत सारे इधर छाया में रहती है, छाया रहती है तो अच्छा लगता है। टोनी गाड़ी वाला आया कैसे, आ जाओ चलो बैठो। कचरा निकालने का है अपने को, पूरा घर से, दिमाग से, समाज से और हर जगह से कचरा निकालना है अपने को। क्या बस कचरा निकालने का है, इसको उठा के उधर रखें। टोनी टोनी इधर सुनो, कम ऑन। अच्छा इसको उठा के उधर रख के आओ, जाओ जाओ, तुमसे होगा कुछ नहीं, तुम सिर्फ ऐसे हरामी बना करोगे। छोड़ो लाओ, बट टोनी नहीं काटता, नहीं छोड़ो, नो टी शर्ट छोड़ दो मेरी, हाथ मेरा बड़े खा लो खा लो खा लो खा लो। नहीं सो जा। मैं एक बात बताऊँ, मतलब क्या बोलते हैं POV, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो मुझे ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा मैं ऐसे इधर से ऐसे नीचे देखता हूँ, ऐसे घास मेरे सिर पर रखी हुई है। Yes, I have to walk like this. Oh, अंधेरे में तीर चलाना, उस अंदाजे से चलता रहता हूँ। ये ऐसा नीचे दिखता है क्या यार, तुम लोग के चक्कर में आगे निकल रहा है, यहाँ से इस वाले तार को क्रॉस करने का। Oops. And yes. फुल लोअर में अगर होता तो दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। चलो अच्छा, इस ब्लॉग में अभी यहीं पे इधर ही पे एंड करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप नए हो यहाँ तक देख ही लिया है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल सेलेक्ट करना, एंड बाय बाय, सी यू समवेयर एल्स।